ये कंडीशन ग्रेड वन गायनेकोमेस्टिया विथ पफेनिपल कंडीशन है। ग्रेड वन गायनेकोमेस्टिया में बहुत छोटा सा ग्लैंड और थोड़ी सी फैट होती है, तो इसीलिए इवन कि बड़े ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया में भी काफ़ी चेंज आता है पोजीशन से। आप इसके लिए क्या क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज, जिम वगैरह भी किए? ठीक कर रहे थे सर, लेकिन हर जगह बॉडी बनता था, ये नहीं बनता हाँ था। ये नहीं बनता था, मसल टाइट करके दिखाइए। हाँ ये पहचान होती है, जो लोग जिम करते हैं वो अपने मसल को मूव कर पाते हैं। बढ़िया, तो अभी इसमें हम लोग डायोड लेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन करेंगे। ओपनिंग बहुत छोटी सी बनती है निपल और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे, और इसी से एक घंटे का टाइम लगता है, फैट ग्लैंड सब निकलता है। चेस्ट एकदम नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह रहेगा, ऑपरेटेड चेस्ट नहीं दिखेगा और कोई मार्क्स भी नहीं आएगा। मसिया की सर्जरी हुई थी 4 जुलाई को, और अभी देख रहे हैं तो ये चेस्ट कहीं से ऑपरेटेड चेस्ट तो नहीं लग रहा है। क्लोज ऑब्जर्वेशन में भी देखें तो कट का मार्क्स भी नहीं है। एक बार साइड से दिखा दिए, साइड प्रोफाइल, और एक बार इस साइड से भी, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन एक बार पेशेंट, इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर परफेक्ट है, जो सेटिस्फाइड हूँ सर इस टेस्ट के। मतलब हम समझते हैं कि इससे अच्छा रिजल्ट हम कोशिश भी करके शायद अब इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, है पता ना? नहीं चल रहा कि ऑपरेशन हुआ हुआ है। हाँ, कि मैंने अगर 100 लोगों से भी पूछें तो एक भी कोई शायद कोई बता पाए कि इस चेस्ट पे कोई सर्जरी हुई है। एक बार हाथ फैला के दिखाइए, आप किसी के सामने भी एकदम एक्सपोज हो सकते हैं। कर लीजिए नीचे, तो आपको अच्छा लगा, बिल्कुल सर, सेटिस्फाइड हैं ही, आप बता ही दिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, सब कुछ करें। ऐसे भी पहले भी लगता है शायद आप एक्सरसाइज करते थे। हाँ, तो पेक्टोरल मसल्स का बल्क है और अच्छा है, चेस्ट में एकदम यूनिफॉर्मिटी है। सबसे बड़ी बात है कि सिमेट्री मेंटेन है, कोई अनइवननेस नहीं है, मतलब किसी एक साइड ऐसा नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा है या कम हो गया, एकदम एक जैसा लगभग दोनों। ठीक है, बढ़िया।